is Yash Prakash Dixit and I'm from class 10. एक काम करते हैं, जब आप सेमिनार में आए तो आपने देखा होगा कि अंकुर और दूसरा जो स्टूडेंट था उसने दूसरों का भी किताब दिया और विजुलाइज करके आपको दिया है ना। हम भी आपको दूसरों का किताब देते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में अभी तू? 10th। 12th का तू? 11th का? चलेगा कोई भी? साइंस का, कॉमर्स का, कोई भी? चलो कोई भी। आप 11, 12 में से किसी का टेक्स्ट बुक दो, कोई भी। हाँ हाँ, एक का जोई। चल 10 मिनट ये बुक लेके जाओ, दो में से किसी एक में से प्रिपेयर करो। चलो ये दोनों के लिए एडवांस में ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने लेवल से ऊपर की है ना। ये कौन सा स्टैंडर्ड में? 8th 10th। ये 10th वाले ने भी 11th या 12th का बुक किया और ये 8th ने भी 11th फिजिक्स का बुक किया है ना। तो इसका डेमो लेते हैं अंकुर। ब्लैक शर्ट केमिस्ट्री बुक, ब्लैक शर्ट केमिस्ट्री बुक जो मुझे जो मुझे बुक दी थी वो केमिस्ट्री की थी, 12th स्टैंडर्ड की पार्ट 1, जिसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे ने पब्लिश किया, जिसका प्राइस 118 रुपीज है। उसमें टोटल 7 चैप्टर्स, 303 पेज है। पहला चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट है, उसमें फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन है, अगले पेज पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है, उसको क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड और प्लाज्मे। वो पेज पे 3 डायग्राम्स है, ग्लास के नीचे में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंशिएट दिया है। अगले पेज पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके नीचे में मॉलिक्यूलर सॉलिड वो भी नीचे में सब पॉइंट्स है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगले पेज पे आयोनिक सॉलिड्स है और मेटालिक सॉलिड है, वो पेज पे 4 डायग्राम्स है। फिर अगले पेज पे कोवेलेंट सॉलिड है, जिसमें ग्रेफाइट और डायमंड, उसके नीचे फुलेरिन के बारे में। सही है, ओके।